नमस्ते बच्चों, जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पे जो सीरीज शुरू की है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग इन हिंदी, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, रेखाओं का समद्विभाग कैसे करना है या कोण को दो भागों में कैसे विभाजित करना है, जैसे कि लंब कैसे डालना है, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हमको हम आपको इन ये जो सवाल होंगे इनको बनाना भी सिखाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक सरल रेखा या चाप AB का समद्विभाग करना। बच्चों, समद्विभाग होता है दो भागों में विभाजित करना। हम लोगों ने समद्विभाग करना शुरू करना अभी। सबसे पहले रेखा का करेंगे, रेखा AB ले लेंगे। इसका नाम हम लोग A और B रख देंगे, आधार रेखा भी कहते हैं इसको। और अभी हम लोग ए बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो आधे से ज़्यादा प्रकार हमने खोलनी है वो उतनी ही खुली रखनी है जितनी हम लोगों ने बी से खोल के लगाई है। यानी कि हम लोग ए से भी लगाएंगे अब, तो उतनी ही खुली रखनी है जितनी बी से लगाई है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये हम लोगों ने लगा दिए चापे दोनों, और दोनों बिंदु आ गए हमारे पास, एक नीचे और एक ऊपर। इनको मिला देंगे हम, और ये हमारे जो AB रेखा का यानी कि एक रेखा का समद्विभाग हो गया। अभी हम शुरू करेंगे चाप, चाप का समद्विभाग करना। बच्चों, हम लोग पहले चाप लगा लेंगे। एक आप देख सकते हैं कि चाप और AB रेखा ये सिर्फ शक्ल ही बदलेगी, और लेकिन जो सवाल रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लाइन नहीं मिलाई, बस फासला छोड़ा है। पर तो अब भी हम लोग AB रेखा का ही कर रहे हैं, तो सेम ही करेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे प्रकार। आधे से ज़्यादा जितनी भी हम लोग खोल सकते हैं खोल सकते हैं, कम नहीं खोलनी आधे से, फिर नहीं होगा। कई बच्चों को ये रहता है कि मैंने ये बी से ज़्यादा खोल लिया या बी पे रख के ए से ज़्यादा खोल लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो एक बार खोल ली तो उसको बंद नहीं करना, उतनी ही रहेगी ए से भी और बी से भी। और ये हमारे दोनों सवाल बनके रेडी हैं। हमारा जो अगला सवाल रहेगा, दिए हुए कोण BAC का समद्विभाग करना। बच्चों, ये कोई हमारे को एक कोण दिया होगा, हमने उसको दो भागों में विभाजित करना है। सबसे पहले हम लोग AB रेखा ले लेंगे, एक समानांतर रेखा लेंगे जो ए पर कटे, इससे न्यून कोण बनेगा। इसका नाम हम लोग दे देंगे AB और C। तो ये हमारे पास एक कोण है न्यून कोण। बच्चों, यहाँ पे हम लोग अब एक चाप लगाएंगे। ये चाप भी हम लोग किसी भी नाप की ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी प्रकार हमारी जो है हिल गई है। आपसे प्रकार नहीं हिलनी चाहिए, तो नहीं तो सवाल थोड़ा गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग ने चाप लगाई है, इनका नाम हम लोग दे देंगे D और E। D से E जितनी प्रकार खोल लेंगे,
इसका भी बच्चों यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि आधे से ज़्यादा प्रकार खुली होनी चाहिए, आधे से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे डी से हम लोगों ने ई तक खोली है, वो आधे से ज़्यादा है, ऐसे ही ई से डी तक होगी तो हमारा जो इसका सम विभाग हो चुका है, आगे जो पॉइंट आएगा उसको ए से मिला के बढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं हम लोग बढ़ा रहे हैं अभी, ये हमारे कोण का जो सम विभाग हो चुका। अगले सवालों में हम बात करेंगे लंब पे कि लंब कैसे डालते हैं। बच्चों इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग काफ़ी सारे सवालों से आपको बताएंगे। ये कहीं पे भी हो सकता है, ए बी में भी हो सकता है, ए बी के ऊपर भी हो सकता है, ए बी के साइड में भी हो सकता है, है ना। तो वो सारे करके दिखाएंगे हम लोग आपको। तो अभी हम ले लेंगे ए बी रेखा, ए और बी, और रकम के हिसाब से वो ए बी के बीच में है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है, लंब और 90 डिग्री का कोण है ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि 90 डिग्री का ही कोण होता है। जैसे हम लोग अभी हम लोगों ने चाप लगाई है, उसका नाम डी और ई रख देंगे, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। हाफ़ करना है उसका, यानी कि सम विभाग करना है, ई से डी जितनी प्रकार खोल के लगा देंगे और डी से ई जितनी, बस आधे से ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है, कम ना हो, बस आधे से ज़्यादा हो। तो ये हमारा जो है कोण बन के रेडी है, यानी कि सी से हम लोगों ने एक लंब उठा दिया है। हमारा जो आगे का सवाल रहेगा वो रहेगा, रेखा ए बी में स्थित बिंदु ए से एक सरल रेखा खींचना जो ए बी पर लंब हो। पहले बच्चों हम लोगों ने ए बी के बीच में था जो लिया हुआ था बिंदु सी, अभी साइड में है यानी कि ए पे है, तो उसको करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सरल रेखा ले लेनी, ए को हम लोगों ने बिंदु मान लेना, यानी कि इस पे भी हम लोगों ने बात वही है, 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ए से उठा देंगे लंब, समकोण बन जाएगा हमारा। अभी हम लोग जो चाप जहाँ से शुरू की थी वहाँ से ए के बराबर प्रकार खोल के काट देंगे, ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो आगे 120 का, 120 और 60 का जो हम लोग सम विभाग कर देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे, जहाँ पे भी कटेगा वहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण यानी कि लंब होगा। ये हमारा लंब हो गया, इसका नाम हम लोग जी रख देंगे और इनके नाम हम लोग डी और एफ रख देंगे, ई रख देंगे। ये हमारा जो सवाल हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल शुरू करेंगे। दी हुई रेखा ए बी से बाहर बिंदु सी से एक सरल रेखा खींचना जो ए बी पर लंब हो। अभी हमको जो ए बी से ये बिंदु बाहर दे दिया है, अब देख सकते हैं हम लोगों ने ए बी रेखा लिया, इसका नाम ए और बी रख देंगे। अभी हम लोगों ने बिंदु मेंशन करना है सी, ज़्यादा ऊपर तो मत लेके जाना क्योंकि कापी का पेज ही बाउंड होगा इससे, तो नज़दीक ही रख लेना। तो अभी हम लोग नीचे चाप लगाएंगे, चाप इतनी लगानी है, प्रकार इतनी खोलनी है को ए बी रेखा को काट दे,
दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतनी प्रकार खोलनी है कि वो ए बी रेखा को काट दे सी पर रख के। ऐसे कटेगी, इनके भी हम लोग नाम रख देंगे डी और ई। ये भी उसी सवाल पे बेस्ड है, हाफ करना है, हाफ निकाल देना है इसका, यानी कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, आप देख रहे हैं कि हर एक सवाल में इसका समद्विभाग हो रहा है, यानी कि वो सवाल जो हम लोगों ने पहले करवाया है समद्विभाग करना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। अगर किसी को समद्विभाग आता है तो किसी भी सवाल को करने में आसानी रहती है। अभी हम लोग मिला देंगे इसको, जो हमारा सवाल जो है बन के रेडी हो गया है, इसका नाम ओ रख देंगे। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दी हुई रेखा ए बी से बाहर बिंदु सी से एक रेखा खींचना जो ए बी पर लंब हो, सी बिंदु मध्य से परे हो। पहले बच्चों हम लोगों ने मध्य में हो लिया था सी, अभी ये सी बिंदु थोड़ा सा हटके लेना है, ए बी से हटके। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, इसके ना तीन चार कॉन्सेप्ट हैं और तीनों चारों ए कॉन्सेप्ट आपने सीख लेने हैं, कोई सा भी कर लो उससे हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सी बिंदु लिया है और उसको मिला देंगे बी से, डॉटेड रेखा लगाई हमने। अभी बी सी का हम लोग समद्विभाग करेंगे, बी सी का। बच्चों कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि वो उलझ जाते हैं क्योंकि इसमें बिंदु बहुत है, पर लेकिन फोकस हमने समद्विभाग वाली रेखा पे ही रखना है। तो हमारा जो समद्विभाग हो चुका है ई, ई को केंद्र मान लेना है, चाहे ई को केंद्र मान के चाहे सी जितनी प्रकार खोलो आप, चाहे बी जितनी प्रकार खोलो, बात एक ही है। हम लोग बी जितनी प्रकार खोल के एक बड़ी सी चाप लगाएंगे जो जाके सी पे मिलेगी, जो सी पे मिल जाएगी, जहां पे भी ये कटेगा उसका नाम है हम लोग एफ रख देंगे। ए बी में कट गया तो इनको हम लोग मिला देंगे। आप देख सकते हैं बी एफ सी एक लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन गया है। तो ऐसे ही हम लोग आगे आपको एक सवाल और दिखाते हैं करके, ये भी मध्य से परे है, ए बी रेखा लेंगे, सी बिंदु लेके। अभी क्या करेंगे हम लोग, ए से सी जितनी प्रकार खोल लेंगे, ए से सी जितनी प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे, जैसे तीर बनता है तीर की तरह लगाएंगे, कमान होता है ना तीर कमान, वो वैसे लगा देंगे। और बी से भी सी जितनी प्रकार खोल के लगा देंगे चाप हमारी बड़ी सी, और आप देख सकते हैं कि वो ऊपर भी कट रही है और नीचे भी कट रही है, और जहां पे नीचे जहां पे कट रही है वहां पे एक पॉइंट दे देंगे हम, और उनको मिला देंगे, इसका नाम भी दे देंगे। बच्चों हम लोगों ने आपको जो आज रेखा का समद्विभाग करना और एक कोण का समद्विभाग करना और लंब कैसे डालते हैं उनके सभी के सवाल हमने करवाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये सभी के सभी बड़े
अच्छे तरीके से बढ़िया अच्छी डेडिकेशन से किए होंगे। और हमारी एक ही आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे अच्छी बात सब्सक्राइब की है, तो आपको जब भी हमारा नई वीडियो हम लोग डालते हैं उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे लॉकडाउन में हमारे बच्चे जो हैं घर पे भी ज़रूरत को ही ध्यान में रखते हुए हमने जो ये वीडियो की सीरीज शुरू की है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पढ़ाई का लिंक बना रहे। तो आप ये क्लासें लगाते रहिए और आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जब भी स्कूल जाएं तो आप अपने सिलेबस के साथ अपने टीचर्स के साथ लिंक्ड हों। सो वीडियो देखते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।